Ocean. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पिक्सल वर्ल्ड पंडोल में। मैं प्रवीण कुमार आज आप लोगों के सामने एक नया सा एक ऑफर लेके आया हूँ कंप्यूटर सीखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि पिक्सल वर्ल्ड एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ प्रत्येक वर्ष 12th और 10th के एग्जामिनेशन के सेशन में हमारे सेंटर कंप्यूटर सीखने का एक सुनहरा अवसर आता है जिसका नाम है प्रतिभा खोज परीक्षा। दोस्तों, 10th और 12th मतलब 10वीं और 12वीं की कक्षा छात्राओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर होता है जिसमें वो कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम से कम पैसे में सीख सकते हैं। कम से कम क्या पैसे, आप यूँ समझिए कि फ्री में सीख सकते हैं ये प्रतियोगिता के माध्यम से। जरूरी नहीं है कि इसमें केवल 10th और 12th के ही बच्चे बैठे, इसके लिए जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्रतिभा खोज परीक्षा हमारे सेंटर के द्वारा प्रत्येक साल निकाला जाता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग मतलब एक सेंटर हमारे सेंटर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है जिसका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा 10 फरवरी से। जी हाँ दोस्तों, मतलब कमिंग मंडे 10 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन चलेगा 7 मार्च तक, जिसमें आपका 10th और 12th दोनों के एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट जो 12th का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 12th के एग्ज़ाम के बच्चे को भी, और जो 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उन वो सभी बच्चे को भी इसमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, ताकि उसको अपने एग्जामिनेशन के दरमियान कोई दिक्कत ना हो। आप 7 तारीख का वेट नहीं करेंगे, जिसको जो डेट सूटेबल लग जाएगा वो आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च तक है। तो 7 मार्च के बाद हम लोग एक एडमिट कार्ड इशू करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन पे, जो एडमिट कार्ड इस 3 डेट को 12, 13 और 14 मार्च को एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। एडमिट कार्ड दोस्तों आपको इसी सेंटर से लेना होगा, इसके लिए कोई ऑनलाइन नहीं है जो आप डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से, आपको सेंटर से ही लेना होगा। एग्ज़ाम डेट है 15 मार्च 2020, आई थिंक संडे है एग्ज़ाम जो होगा वो संडे को होगा। फिर इसमें रिजल्ट दिया जाएगा आपको 20 मार्च को, और 20 मार्च के बाद जो रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट के दिन से ही आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। 20 से 30 मार्च तक एडमिशन चलेगी और फिर बैच स्टार्ट होगा आपका 2 मार्च का। दोस्तों आप चाहें तो इस शेड्यूल को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे ये बोर्ड को आप साफ करना होगा, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव डेट है और जिस पर ये शेड्यूल पूरा काम करेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इस प्रतिभा खोज परीक्षा का जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों ये क्या, देखिए प्रतिभा खोज परीक्षा जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, निशुल्क, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे आप निःशुल्क पा सकते हैं, हमारे सेंटर के द्वारा एक आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा, जिस एग्जामिनेशन का नाम है प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से शुरू होगा, 10 फरवरी से शुरू होगी और ये रजिस्ट्रेशन आपको चलेगा 7 मार्च तक। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन में जो आपको पे करना होगा वो है रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपये मात्र, और साथ में आपका अपना कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ये कोई ऑनलाइन नहीं है, आपको मेरे सेंटर पे ही आके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप दिया जाएगा, इस रजिस्ट्रेशन स्लिप के बेस पर आपको एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप खो जाते हैं या खो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं हो पाएगा, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन स्लिप संभाल कर रखना होगा। दोस्तों जब
ये पूरा का पूरा शेड्यूल जब आप कर लेंगे, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फोटो दे लेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद एक एग्जाम होगी, ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम होगा। एग्जाम का जो डेट है मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने बता दिया आपको, एग्जाम जो होगा वो आपका 15 मार्च। अब एग्जाम देने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, तो एडमिट कार्ड कैसे लेंगे आप? आपको जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय स्लिप दिया जाएगा, उसी स्लिप के बेस पर आपको एडमिट कार्ड लेना होगा, एडमिट कार्ड आपको लेना होगा इसी सेंटर से। जो आपको मैं एडमिट कार्ड दूंगा वो है 12, 13 और 14 मार्च, 12, 13, 14 मार्च को। आप ये 3 दिन आके अपना, 3 दिन में से कोई एक दिन आके आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं, जिसमें एडमिट कार्ड पर ये लिखा होगा कि आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ जो बेसिक जो एडमिट कार्ड पर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आपका सेंटर और एग्जाम का टाइम, ये दो चीज आपको एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। कि आपका एग्जाम डेट तो मैं बता ही दिया हूँ कि 15 मार्च को होगा, लेकिन 15 मार्च को जो एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, उसका एग्जाम का टाइम क्या होगा, ये चीज आपको सेंटर पर लिखे होंगे। और जो बेसिकली एडमिट कार्ड पर होता है इंस्ट्रक्शन वगैरह, वो सारा कुछ आपको इस पर मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 30 क्वेश्चन जीके जीएस से होंगे, और 10 क्वेश्चन फिल्म एंड स्पोर्ट्स या फिर जनरल इंग्लिश इंग्लिश से होंगे। कुल मिला के ये 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब ये कि जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसके लिए आपको नंबर मिलेगी। अब बात करते हैं ये कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो दोस्तों कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, ये 100 का 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होगा, सारा का सारा क्वेश्चन क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मींस आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा प्रश्न से उत्तर होगा, मतलब ये कि प्रश्न भी इसी में देना है, उत्तर भी इसी में देना है, मतलब एग्जामिनेशन के बाद आपको क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। ये सब ओएमआर होंगे, जिसमें आपको बगल में गोला दिखाई देगा, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आप देंगे और आपका आंसर होगा। दोस्तों एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है वो 8th स्टैंडर्ड मतलब क्वेश्चन इतना इजी होता है, इतना इजी होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन कितना इजी होता है। ये 100 क्वेश्चन इतने इजी मिलेंगे कि आपको लगेगा कि मैं 100 क्या इस तरह का क्वेश्चन 200 पूछे जाए तो मैं 200 में से 200 बना लूंगा, इसलिए इसका कट ऑफ हाई जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन का होगा, इसको क्वालिफाई करने के लिए 80% लाना होगा, मींस आपको 80 नंबर चाहिए, 80 मार्क। अगर आप 80 मार्क लाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, और लेस देन 80 मार्क्स तो आप डिसक्वालीफाई माना जाएगा।
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए ये एक कोर्स है जिसका नाम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 6 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ्स दोस्तों। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप एग्जाम दिए, आपने 80% या 80% से एवं नंबर लाए, तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा और आपको DCA जिसका फी मेरे सेंटर में 4,000 रुपये होते हैं, आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कोर्स क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, कोई पेमेंट नहीं रहेगा। साथ ही आपको मिलेगा किट, जो स्टूडेंट किट होते हैं हमारे सेंटर में, स्टडी मटेरियल वगैरह सब, ये सब आपको फ्री दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 80% नहीं लाते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोर्स करना है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको मिलेगा इस 4,000 रुपीज का 50% डिस्काउंट। ये आपको, अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको ये DCA कोर्स जिसका मूल्य है हमारे सेंटर पे 4,000 रुपया, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मीन्स 2,000 रुपया आपको डिस्काउंट हो जाएंगे और आप 2,000 में मात्र आप अपने कोर्स को कर सकते हैं। और साथ में मिलेगा आपको स्टूडेंट किट, जो किट है हमारा स्टूडेंट के लिए जिसमें बुक वगैरह अवेलेबल है, ये किट आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट DCA नहीं करना चाहते हैं और अनदर देन DCA से ऊपर करना चाहते हैं, तो जो क्वालिफाई करते हैं उनको किसी भी कोर्स में 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको किसी भी कोर्स में 2,000 का डिस्काउंट होगा। ध्यान में आपको ये रखना है कि ये कैश रिफंडेबल नहीं है, आपको कैश नहीं मिलेगा इसके बदले में। आपको जब भी मिलेगा तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको DOA करना है जो हमारे यहाँ 5,500 का होता है, ये 9 मंथ का कोर्स है, अगर आपको DOA करना है, आप क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, तो आपको इसमें 4,000 रुपये डिस्काउंट हो जाएंगे और आपको DOA के लिए मात्र 1,500 रुपया लगेगा। अगर आप डिसक्वालीफाई स्टूडेंट हैं तो आपको 2,000 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा और आपको लगेगा 3,500 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो ये है, इसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है कि कौन स्टूडेंट सीख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट सीख सकते हैं, जो मिनिमम कम से कम 8th क्लास तक क्वालिफाई हैं, जो 8वीं क्वालिफाई कर चुके हैं या 8वीं में पढ़ रहे हैं मीन्स 7th क्वालिफाई, वैसे स्टूडेंट जो 7th क्वालिफाई हैं, जो 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं या 8वीं से ऊपर पढ़ रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो PG कर रहे हैं, MA MSc MCOM जो कर रहे हैं, वो लोग भी बैठ सकते हैं। वैसे लोग जो एम्प्लॉई हैं उनको भी चाहिए, उनको भी आजकल कंप्यूटर की जरूरत पड़ रही है, अगर वो इस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं तो वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फिर भी आपको 2,000 रुपये का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका प्रतिभा खोज परीक्षा का पूरा शेड्यूल। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे सेंटर को जरूर विजिट करें। मेरा सेंटर जो है वह है शिवाजी नगर पंडौल ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा है, आपको ये ऑफर अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक को पहुँचाइए ताकि सभी स्टूडेंट का इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।